शशिकला की सब्जी मंडी आज भी बदहाल हालत में है, जबकि दोनों एक ही कार्यालय की देखरेख में चल रही हैं। कृषि उत्पादन मंडी समिति में 7 करोड़ रुपया लगा, लेकिन एक पैसा भी थोक सब्जी मंडी के हिस्से नहीं आया। शहर में स्थित थोक सब्जी मंडी परिसर अव्यवस्थाओं का गढ़ बनकर रह गया है। मंडी परिसर में चारों तरफ फैली गंदगी व लगे कूड़े के ढेर मंडी प्रशासन की पोल खोलने के लिए काफी हैं। इसके अलावा नालियों की साफ सफाई नहीं होने के चलते परिसर में पानी की निकासी के लिए बनी नालियां चोक हो जाने से पानी की निकासी ठप पड़ी है। मंडी परिसर में गंदगी के कारण सब्जी बेचने वाले किसान भी परेशान हैं। इसके अतिरिक्त मंडी में आने वाले व्यापारियों के लिए गंदगी परेशानी खड़ी कर रही है। सब्जी मंडी में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यहां चारों तरफ कूड़े व गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सब्जी मंडी के अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि मंडी के भीतर खाली पड़े मैदानों में कूड़े व गंदगी के ढेर लगे हैं, नालियां भी चोक हैं, लेकिन मंडी प्रशासन सफाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। मुख्य अभियंता जी आए, उन्होंने हमारी मंडी का निरीक्षण किया। हमारी मंडी में बहुत अनेक समस्याएं हैं। पहली समस्या हमारे शौचालय की है। हमारे यहाँ पर बहुत व्यापारी आते हैं, सुबह बहुत परेशान रहते हैं। हमने शौचालय की व्यवस्था के बारे में उनसे बात की है। पानी की, हमारी पूरी मंडी में कहीं भी पानी नहीं है, पानी के लिए बात की है। अनेक प्रकार की इतनी गंदगियाँ हैं हमारी मंडी में, गंदगी के लिए बात की है। पुरानी उसमें अनाज मंडी में जितना विकास कार्य हुआ है, उसकी अपेक्षा हमारी फल सब्जी मंडी में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। ये सारी बातें हमने अभियंता जी के सामने पेश किए हैं और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हमने अभियंता जी से निवेदन किया कि मंडी में पानी भर जाता है, घड़ों में पानी नहीं निकलता है, मंडी में गंदगी है, मंडी में जानवर बोल डूलते हैं, इनकी व्यवस्था कराई जाए। तो उनका क्या आश्वासन था? वो ये कह रहे थे कि सरकार का निर्देश है, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नहीं तो जो करोड़ों रुपया आया था उसके बाद भी आपके फंड नहीं बन पाए, इसका क्या कारण रहा? हमने उनसे निवेदन किया, इसकी आप जांच करके सरकार को आख्या लिखें और ये पूरी स्थलीय निरीक्षण करें। वो गाड़ी में तो ही उतर के ना आ रहे, हमने कहा गाड़ी से नीचे निरीक्षण किया जाता, गाड़ियों से निरीक्षण नहीं होता।